गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर तक हमने रैंडम डेटा जो हमें मिल रहा है, जिसको हम रॉ डेटा बोल रहे थे, उसको कलेक्ट करना, फिर उसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि चीज़ें जब अरेंज हो जाती हैं तो ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल हो जाती हैं और ज़्यादा वो नॉलेजेबल हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरी बात, वो ज़्यादा कन्वीनियंट भी हो जाती हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो ग्रुपिंग डेटा। बेसिकली सेम चीज़ें हैं कि एक मेरे पास रैंडमनेस है, रैंडमनेस को कई सारे तरीके से हम टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, मेरे पास में इस सिचुएशन में ना खूब ढेर सारा डेटा है, और दूसरी बात जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स नहीं हो रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हर एक नंबर के अलग से ग्रुप अगर बना देंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हर एक नंबर का ग्रुप बनाने का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर एक नंबर के लिए अलग अलग से मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक रेंज बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, रेंज बनाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, इन नंबर्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इन नंबर्स को रैंडमली बोल दिया गया कि 10-10 की फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बना दिया गया। तो 0 से लेकर 10 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो कितने हैं। अगर मैं इस डेटा की बात करूं तो 0 से 10 के बीच में जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे टैली मार्क्स में दिखाया कि टू पर्सन्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 10 के बीच में। इन द सेम मैनर एक दूसरा ग्रुप बनाया गया जिसमें 10-20 के बीच में दिया हुआ है। तो इनमें कितने मार्क्स हैं, ये 5 और ये 5, टोटल 10 पर्सन ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10-20 के बीच में। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया। 20-30 के बीच में ऐसे दिखाया 21 पर्सन हैं, 30-40 के बीच में दिखाया 19 पर्सन हैं, 40-50 के बीच में दिखाया 7 पर्सन हैं, और 50-60 के बीच में दिखाया 1 पर्सन है। टोटल सबको जब ऐड किया तो टोटल 60 आया। अब तुम खुद सोचो कि इस तरीके से अगर ग्रुप बनाया जाता और हर एक नंबर के लिए, हर एक मार्क के लिए अलग अलग ग्रुप बनाया जाता, तो शायद हमें ऐसे 60 कॉलम्स बनाने पड़ते, और 60 कॉलम्स बनाना अपने आप में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता, और दूसरी बात उसको रीड कर पाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता। तो अब ये भी एक तरीका है कि चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड कर दो, और इस तरह से ग्रुप में जब डिवाइड करते हैं, ग्रुप बना देते हैं किसी भी खास तरह के जो रॉ डेटा होता है उनका, तो हम उसको क्या, इस तरह के टेबल को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज़ क्लियर है। इसमें कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 20-40 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने स्कोर किया है। 20-30 के बीच में 21 है टोटल, और 30-40 के बीच में 19 है। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 21+19 कितने हो गए, 40 स्टूडेंट्स। तो आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20-40 के बीच में आया। क्या अगर मैंने ऐसे 60 कॉलम्स बनाए होते तो क्या हम इतनी आसानी से बोल पाते, नहीं। यहाँ पे छोटा सा टेबल है तो देखना आसान है, रीड करना बड़ा आसान है। तो यहाँ पे हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। फिर कह रहा है, सेकंड कह रहा है, 8 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड सो ऑन। आउट ऑफ 40 कितने स्टूडेंट्स ने किया, 40-50 के बीच में 7 स्टूडेंट्स, और 50-60 के बीच में 1 स्टूडेंट। किसी ने पूछा होता कि 50-60 के बीच में कितने बच्चों ने स्कोर किया, तो टोटल 1 स्टूडेंट ने स्कोर किया। तो यहाँ पे भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी कुछ अपना फ़ायदा होता है। अब देखो, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जर्व दैट 10 अकर्स इन बोथ द क्लासेज, दैट इज 0-10 एज वेल एज 10-20। तो अगर मेरे पास में ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, किसी के मार्क्स 10 आए, तो वहाँ पे एक सिंपल सी प्रॉब्लम ये है कि जो 10 आया है उसको 0-10 वाले बीच वाले कैटेगरी में रखा जाए या फिर 10-20 के कैटेगरी में रखा जाए। तो वैसे सिचुएशन में इन्होंने एक अपना खुद का रूल बनाया, कह रहा है, टू अवॉइड दिस वी अडॉप्ट द कन्वेंशन दैट द कॉमन ऑब्जर्वेशन विल बिलोंग टू द हायर क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 मेरे पास एक वैल्यू थी, वो 0-10 की कैटेगरी में ना रख के 10 हायर क्लास कौन सा है, 10-20 वाला, तो हम 10 को 0-10 वाले ग्रुप में ना रख के
10 to 20 वाले ग्रुप में रखेंगे। इन द सेम मैनर अगर 30 रखना होता, 30 किस में रखते, 20 to 30 वाले में या फिर 30 to 40 वाले में? तो आंसर इज कि 30 to 40 वाले में रखते, जो हायर वाला जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है उस वाले में रहता। ठीक है, इसमें एक लोअर क्लास लिमिट होता है, अपर क्लास लिमिट होता है। लोअर क्लास लिमिट किसको बोलते हैं, जैसे 0 से 10 दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो वैल्यू है इसको हम लोअर क्लास लिमिट बोलेंगे और जो 10 है उसको हम अपर क्लास लिमिट बोलेंगे। और जो ये विड्थ है या साइज़ है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, 10 में से 0 अगर घटाएंगे तो टोटल इसकी 10 वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये रेंज जो है वो 10 का है। ऐसे 10 से लेकर 20 इसमें भी 10 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, या तो विड्थ बोलते हैं या फिर हम साइज ऑफ द क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्लियर है? ट्राई दीज में क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बहुत ही आसान सा इस केस में। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 100 to 125 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, 100 को हम क्या बोलेंगे, लोअर क्लास लिमिट, और 125 को हम क्या बोलेंगे, अपर क्लास लिमिट। और इस क्लास इंटरवल का जो वेट होगा या साइज होगा वो कितना होगा, 125 माइनस 100 कितना आया, 25। ठीक है, ऐसे ही इसमें इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इन क्वेश्चन का आंसर तुम खुद दोगे। कह रहा है व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, आसान है। विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 250 एंड 275। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच टू क्लासेज हैव द सेम फ्रिक्वेंसी, कौन से ऐसे दो क्लास हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या सेम नंबर ऑफ चीज़ें इवेंट्स हुई हैं, ठीक है, या सेम इवेंट्स सेम नंबर ऑफ टाइम्स हुए हैं। इस पे आगे कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा ऑन द वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास यूजिंग इंटरवल 30 to 35, 35 to 40 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ, जो सबसे बेस वाला इंटरवल है वो 30 to 35 है। 30 से 35 होगा, 25 से 30 वाला नहीं रखना है, 30 से ज़्यादा रखना है। वैसे भी अगर हम इस डेटा को देखें तो 30 से कम वैल्यू किसी की तो है ही नहीं। तो ये जो डेटा दिया हुआ, इस डेटा के पे बेस्ड हमें एक इस तरह का टेबल तैयार करना है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे क्या दे रहा है, बार्स विद अ डिफरेंस, लेट अस कंसीडर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स थे उसमें सिर्फ दो बच्चों का आया, 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स थे वो 10 स्टूडेंट्स का आया, 20 से 30 के बीच में जो स्टूडेंट्स थे वो 21 का आया, 30 से 40 19 स्टूडेंट्स का। ये प्रीवियस डेटा वाला है। दिस डिस्प्लेड ग्राफिकली एज इन द एडजॉइनिंग ग्राफ। तो इस ग्राफ की क्या खास बात है, इस ग्राफ की खास बात क्या है, इन दिस ग्राफ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम द बार ग्राफ विच यू हैव ड्रॉन इन क्लास 7, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो यस, देयर इज अ डिफरेंस। ऑब्जर्व हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड द ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज क्लास इंटरवल। पुराने वाले क्लासेस में हम क्लास इंटरवल के बारे में बात नहीं करते थे, यहाँ पे हम क्लास इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं। 0 से लेकर 10 के बीच में ये रहा 0, अगर हम बात करें 0 से लेकर 10 के बीच में पहला इंटरवल है, 10 से 20 के बीच में दूसरा इंटरवल है, 20 से 30 के बीच में तीसरा, 30 से 40 के बीच में चौथा, और 40 से 50 के बीच में छठा, उसके बाद नेक्स्ट। चूँकि इन इंटरवल्स के बीच में गैप नहीं है, इसलिए हम बार्स जो बनाए हुए हैं जो इस इंटरवल को रिप्रेजेंट होता है उनको भी, उनके बीच में भी हम गैप नहीं डाल सकते। तो यही रीज़न है कि इस बार ग्राफ में गैप नहीं दिया। जब भी हम क्लास इंटरवल डालते हैं, वहाँ पे दो बार्स के बीच में गैप नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास इंटरवल जैसे 10 यहाँ पे था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे भी है, तो कहीं पे भी कंटिन्यूटी टूट नहीं रही है। यही रीज़न है कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह का बनाते हैं जिसमें दो दो बार्स के बीच में कोई गैप नहीं रहता। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द बार्स शो
द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, ऑल्सो देर इज नो गैप बिटवीन द बार्स एज देर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स के बीच में गैप नहीं था इसलिए हमने बार्स के बीच में गैप नहीं दिया, लेकिन हाँ अगर क्लास इंटरवल्स के बीच में गैप होता तो बार्स के बीच में हमें गैप देना पड़ता। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम। तो ये वाला जो बार ग्राफ है इसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राम। द फॉलोइंग ग्राफ इज अनदर हिस्टोग्राम फिगर 5.2। ये हिस्टोग्राम देख सकते हो। अच्छा इसमें एक जैग्ड लाइन दिया हुआ है। जैग्ड लाइन क्यों दिया हुआ है, जब भी जो इंटरवल होता है क्लास इंटरवल होता है वो जीरो से नहीं चालू होता है, जीरो की जगह किसी और वैल्यू से चालू होती है, तो वहाँ पे एक जैग्ड लाइन हम बनाते हैं। वो हम ये अज्यूम करते हैं जीरो से लेके उस ड्यूरेशन जहाँ से हमने चालू किया उस ड्यूरेशन के बीच की वैल्यू है पहले, लेकिन उसको हमने दर्शाया नहीं, रिप्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, अब इस केस में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एज इन ईयर्स, और यहाँ पे बार ऑफ इक्वल विड्थ विद नो गैप इन बिटवीन। हाँ बार्स के जो विड्थ होंगे वो सेम होने चाहिए क्योंकि इंटरवल सेम है, इंटरवल की विड्थ अगर सेम है तो बार्स का भी विड्थ सेम होना चाहिए। हाइट ऑफ बार गिव्स द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड इज द फ्रीक्वेंसी। बार की हाइट फ्रीक्वेंसी बताती थी। जैग लाइन क्या कर रहा हैज़ बीन यूज अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल लाइन टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग द नंबर्स बिटवीन 0 to 20। जब जीरो से नहीं चालू होता है तो उस केस में हम जैग लाइन बनाते हैं, फिर ब्रोकन लाइन बनाते हैं। फ्रॉम द बार्स ऑफ दिस हिस्टोग्राम वी कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज 45 ईयर्स और मोर बट लेस देन 50 ईयर्स। आराम से बता सकते हो 45 से ज़्यादा होना चाहिए और 50 से कम होना चाहिए। तो 45 से ज़्यादा और 50 से कम कितने हैं टोटल, टोटल 5 टीचर्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ द एज लेस देन 35। 35 से कम की उम्र के लोग कौन से हैं, एक 30 से 35 के रेंज में 6 हैं, 25 से 30 के रेंज में 5 हैं, 20 से 25 के रेंज में 4 हैं। तो टोटल इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई दीज, इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना। ठीक है, सेम पैटर्न पे यहाँ पे ब्रोकन लाइन है, जैट लाइन दिया हुआ है और इस पर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आराम से कर लोगे। इस तरह के बार ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। ठीक है, और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज आ गया है, एक्सरसाइज पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। मुझे मुझे जहाँ तक आइडिया है तुम लोगों ने शायद पहले से किया हुआ था। ठीक है, तो अभी आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे या अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, थैंक यू।